हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर आपकी फेवरेट सीरियल अनुपमा की धमाकेदार अपडेट लेकर, जहां पर अनुपमा की बेहोश होने के बाद उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है तो दूसरी तरफ किंजल की एंट्री होती है और किंजल सभी लोगों से आके मिलती है तो दूसरी तरफ काफिया बहुत ज्यादा परेशान है कि वनराज उसे छोड़कर चला गया है। और इस बीच में राखी आकर उसे और भड़का देती है कि यार तुम तो अनुपमा पर कॉन्सेंट्रेट करो, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर उसके सौतन बन के ही रह जाओ और वनराज कभी तुम्हारे हाथ ही ना आए। तो दूसरी तरफ वनराज और पूरी फैमिली सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं अनुपमा को, और वहां पर डॉक्टर अद्वित खन्ना कहते हैं कि अब सर्जरी जल्दी ही करनी पड़ेगी और सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन दो दिन से उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, शायद आपकी शादी के प्रेशर की वजह से उन्होंने टेंशन ले ली और वो आपको किसी को बताया भी नहीं क्योंकि आप शायद आप परेशान हो जाते, तो अब लगता है कि उनको ब्लड की जरूरत है और अब उनके मैचिंग का ग्रुप कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद में वनराज ही उसे ब्लड देता है और उसके लिए अपना ब्लड डोनेशन करता है। तो वहाँ पर समर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो उसे अनुपमा को देखकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, तो अद्वित और वनराज दोनों उसे संभालते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ किंजल की एंट्री होती है और किंजल को राखी कहती है तुम मेरे रूम में चलो, लेकिन वो कहती है नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगी। तो कहती है वो तो वहाँ पर बहुत क्राउड है, लेकिन किंजल कहती है नहीं वो मेरी फैमिली है, और वो दोस्तों के साथ उनके कमरे में चली जाती है। तो दूसरी तरफ राखी और भड़का देती है काव्या को और काव्या कहती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आई हेट ऑल फैमिली मेंबर्स। तो वहीं अनुपमा की सांसें थमने वाली है ब्लड देने के बाद भी, और वनराज और समर की हालत खराब हो जाती है और समर कहता है कि माँ आप इतनी जल्दी नहीं जा सकती हैं। तो वहीं वनराज कहता है कि तुम्हारी हर बात मेरे मानी, यहाँ तक कि तलाक ले ले, दूसरी शादी कर ली, अब तो मुझे छोड़कर मत जाओ। और वनराज का प्यार साफ दिख रहा होता है अनुपमा के लिए और अनुपमा की सांसें थम जाती है। अब देखना है कि अनुपमा की सांसें कैसे वापस लौट कर आती है।